मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ तो वो कहते हैं देखो तुषार आ रहा है जो अखबार की रद्दी से मॉडल बनाता है। बड़ा ही प्राउडफुल करता हूँ मैं अपने आप को कि मैंने जो है कुछ अलग करा देश के लिए, और वो भी अखबार, वो भी वेस्ट मटेरियल को यूज़ करा, अखबार की रद्दी, अखबार की रद्दी से लिफाफे बनाए जाते हैं, मैंने मॉडल बना दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। स्कूल टाइम में ग्रीटिंग कार्ड के मॉडल, ग्रीटिंग कार्ड बनाता था, जो बर्थडे के ग्रीटिंग कार्ड हो गए, एनिवर्सरी ग्रीटिंग कार्ड हो गए, पहले मैं वो बनाता था। पर मेरा मन था कि मैं, क्योंकि वो ग्रीटिंग कार्ड बहुत लोग बनाते हैं, पर मेरा मन ये रहता है कि मैं कुछ अलग बनाऊं कि लोग बाग देखें उस चीज़ को और कहें कि ये तुषार शर्मा ने बनाया है, और वो भी कुछ अलग। तो मैंने देखा कि लोग बाग क्या है जो नहीं बना पा रहे हैं, क्यों नहीं बन रहा है, मतलब कि नई चीज़ क्या है। लॉकडाउन में मैंने देखा कि डेली मेरे घर पर न्यूज़पेपर आ रहे हैं, मैंने न्यूज़पेपर को अपने उसमें ले लिया कि अखबार की रद्दी से क्या बन सकता है। मैंने अखबार की रद्दी को जो है पूरा अंदर चला गया उसके। मैंने राफेल का मॉडल भी बनाया था अखबार की रद्दी से, आपने देखा होगा कि मैंने अखबार की रद्दी से राफेल का मॉडल, जो कि बिल्कुल रियल दिखाई देता है मेरे, मैं जब उसको देखता हूँ तो बिल्कुल रियल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जो बनाता हूँ रियल की तरह बनाता हूँ, और उसमें मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था, उसमें मैंने कम से कम 25-20 दिन लग गए मुझे उसे बनाने में, क्योंकि मैं 10-12 दिन तो मैं ये सोचा था कि ये बनेगा कैसे। सब गोल्डन टाइम पर देख रहे होंगे, मैंने इसमें कुछ नहीं कर रखा ना, मैं लोग मेरे से पूछते हैं कि आप इसको पहले पेपर पे ड्रॉ करते हो, मैंने कहा कुछ कुछ ड्रॉ नहीं करता हूँ, मैं सीधा बनाता हूँ डायरेक्ट, बिल्कुल ना इसमें स्केल मतलब साइज वाइज भी स्टिक से नापता हूँ कि मैं, क्योंकि स्टिक यूज़ होती है, स्केल का तो कुछ इसमें काम है नहीं, स्टिक से नापता हूँ कि मैं कितनी एक स्टिक लगेगी इसमें, कितनी लगी हुई है। जब भी तुषार इस तरह के मॉडल बनाता है तो उससे हमें बहुत गर्व महसूस होता है, और सब जब हम बाहर निकलते हैं, घर से बाहर कहीं भी जाते हैं, तो यही लगता है कि ये तुषार के माता पिता आ रहे हैं, तो इससे हमारी गुडविल भी बनती है और देश का मान भी बनता है और मान सम्मान भी मिलता है। मेरे जीजू आए हुए थे जयपुर से, उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, भगवान श्री राम का मंदिर का मॉडल बना, क्योंकि वहाँ पर भी जो था केस पेंडिंग पड़ा था इस साल ही वो हुआ है कम्प्लीट। इसमें मैंने 1800 स्टिक्स तो नहीं कह सकता मैं पढ़ लेंगी, जिसमें मेरी मेहनत बहुत लगी हुई है बनाने में। मेरा मन था कि मैं बिल्कुल रियल बनाऊं, और मेरा सबसे पहला मॉडल यही था जो कि मैंने अखबार की रद्दी से भगवान श्री राम का मंदिर का मॉडल बनाया है। व्हाइट हाउस बनाए जो कि अखबार की रद्दी से और फेविकोल की मदद से बनाए। मेरा मन था कि मैं बिल्कुल रियल बनाऊं, और वहां पे जैसे आप खिड़की देख रहे होंगे वहां पर लोहे की खिड़कियाँ, मेरा मन था कि मैं न्यूज़पेपर की खिड़की बनाऊं, रियल लगना चाहिए बिल्कुल। और इसमें मैंने कम से कम 2000 स्टिक्स लगाई हुई हैं, और बड़ी मेहनत लगी है इसे बनाने में। मैंने चरखे का मॉडल बनाया था अखबार की रद्दी से, आपने मेरा चरखा देखा होगा वो चल रहा है, अब मैंने इसमें भी कम से कम 10-15 दिन लग गए कि ये चलेगा कैसे। न्यूज़पेपर को फोल्ड कर दिया डंडी में, डंडी से डंडी जोड़ता गया मैं, स्टिक से स्टिक जोड़ता गया उसको, मैंने उसकी सर्कल में दे दिया अंदर, सर्कल की शेप में ले आया मैंने उसको, उसमें फिट करी, फिट करके मैंने उसमें अब देखा कि इसमें चरखे की शेप निकाली मैंने, चरखे की शेप में फिर मैंने धागा जोड़ता गया इधर से उधर इधर से उधर, जब वो पूरा कंप्लीट हो गया फिर वो घूमने लगा। अब घर वाले ये थे कि घूम कैसे रहा है, घर वाले आके चेक करते थे कि कहीं तूने इसमें मोटर तो नहीं लगाई, मैंने कहा पापा मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगा रखी, आप एक बार चेक करो आराम से। जब वो घुमाना शुरू करते थे ना, वो कहते थे ये तो भाई बड़ा अच्छा घूम रहा है, क्योंकि उसमें कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ न्यूज़पेपर और फेविकोल, और कुछ भी यूज़ नहीं कर रखा है मैंने उसमें।